हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग करें, और हैरी देखो यहाँ पे बैठा हुआ है दुकान पे, और मैं अभी अभी जस्ट काम से आया हूँ, और खाने के लिए घर पे कुछ नहीं बना हुआ था तो मुझे चने लेके आने पड़े, जो समोसे के अंदर डालते हैं वो वाले चने। तो आज हम लोग वही खाने वाले हैं। हैरी, भूख लगी है क्या? पता नहीं यार, मोबाइल के अंदर बिजी है ये। तो गाइस जल्दी से चलते हैं किचन के अंदर और खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। हाँ जी मम्मी, कर दिया रेडी। तो अभी यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं रोटी और साथ में हम लोग खाएंगे चने। आज अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मम्मी अभी रोटी बना रहे हैं, तो तवे के ऊपर है तो सडन नहीं खा नहीं सकते क्योंकि गर्म भी बहुत होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और आवाज़ यार किचन के अंदर, ये सारा व्लॉग ख़राब कर देती है। जितनी भी आवाज़ आती है, ये देखो बर्तन की आवाज़ आ रही है ना, टक टक तक तक, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मम्मी जल्दी डाल दो। तो गाइस अभी दही लेना पड़ेगा फ्रीजर से। फ्रीजर की हालत देखो यार, गुलाब जामुन, लीची का जूस, पता नहीं क्या क्या जूस वगैरह यहाँ पे हैं। तो पपैया भी है, ये भी खाएंगे आज दोपहर को, और ये रात में। सो गाइस फाइनली अपना खाना रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी जल्दी से खा लेते हैं, देन उसके बाद आपको मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस अपना मस्त ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी भेजते हैं हैरी को ताकि वो भी यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर ले। चलो ब्रेकफास्ट कर ले जाके। टांगे ने कैसे उठा रखी हो? अरे ये टी शर्ट कहाँ से ली? ये तो मेरी है भाई, मारी है। ने उठा ली। अरे ओ चोर, चोर ना तो। चोर तुम हो, चोर कहीं का लेके चल जाते तुम, चोर तुम। ये भाई मेरी है। क्या लेना है? आलू। ठीक है। वेल गाइज, हैरी तो चला गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं अभी दुकान पे हूँ तो फ्री बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं पता क्या करने वाला हूँ, लोगों के व्लॉग देखने वाला हूँ, क्योंकि मज़ा आता है यार, आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के व्लॉग बनाने चाहिए हमें भी। यार गाइज चेयर पे बैठ बैठ के ना मेरी गर्दन के अंदर पेन होनी शुरू हो जाती है, तो अभी मैंने यहाँ पे चारपाई लगा ली है, तो अभी यहाँ पे लेट के ना बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो सकता हूँ मैं। तो गाइज हैरी को मैंने कॉल किया था कि गन्ने का रस पीने जाना है, बट इसका पेपर है तो ये अभी जा रहा है पेपर देने के लिए। हैरी बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक। गाड़ के आना पेपर, खुद मत कट हो जाना वहाँ पे। तो फाइनली गाइस हैरी का पेपर हो गया, और अभी हम लोग कर रहे हैं वर्कआउट अपनी होम जिम के अंदर। और आज हैरी कौन सा वर्कआउट कर रहा है? बैक का वर्कआउट कर रहे हैं। तो थोड़े से शॉर्ट आपको यहाँ पे दिखाते हैं, और ये बाइसेप का वर्कआउट कर रहा है यहाँ पे, ये देख लो। सो फाइनली गाइज अपना वर्कआउट तो हो चुका है, और अभी मुझे जाना है नहाने, देन उसके बाद जाना है काम पे। और हाँ गाइज, बाहर तो बहुत गर्मी है, तो ये देख लो इन्होंने कूलर लगा रखा है, और बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए हैं। The next day. Hey my YouTube family, this is next day. और आज हमारा तीसरा या चौथा दिन है, क्योंकि इस ब्लॉग को शूट करते हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। मैंने आज से 2-3 दिन पहले ब्लॉग शूट किया, और कल थोड़ा सा शूट किया था, तो मतलब कंटेंट बन नहीं रहा था अच्छी तरह से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है व्लॉग शूट करने के लिए। तो आज तुम्हारा भाई जाने वाला है मार्केट, और मैं अपने बाल थोड़े वो छोटे करवाने वाला हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, और कैमरे को घर छोड़ देते हैं, मोबाइल से शूट करेंगे। और हाँ गाइस, बाइक भी नहीं धोई थी, तो ऐसे करते हैं आज इसको लेके चलते हैं, आई मीन दूसरे की, पहले भी इसी को लेके जाते थे, आज लेके चलते हैं। अच्छा यार क्या बोल रहा हूँ मैं, तो बाइक को लेके चलते हैं। 3-4 बार यही शॉट ले लिया ये भी व्लॉग के अंदर जरूर डालूंगा, तो व्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होती क्योंकि बार बार बोलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी होती है कभी कभार। और बाइक की हालत भी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, तो इसको भी धोएंगे, ये देख लो। और हाँ मेरी हालत भी आज थोड़ी ऐसी है, कोल्ड हो चुका है, तो उसकी वजह से बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी व्लॉग अच्छी तरह नहीं बना पा रहा। तो चलिए फिर निकल जाएगा इस। और हाँ गाइस, गर्मी भी बहुत है, और यार देख लो मैं कुछ और बनाना चाहता था अपने व्लॉग के अंदर, मतलब कुछ अलग कंटेंट बनाना चाहता था, और आधे में ही मुझे चेंज करना पड़ गया, बिकॉज जो कंटेंट मैं बनाना चाहता था वो बना नहीं, उसकी वजह से 3 से 4 दिन लग गए। आज हमारा 5वां दिन है, और ये जो व्लॉग है मैं कल अपलोड करूँगा, मतलब आज इसको कम्प्लीट कर दूँगा कुछ ना कुछ करके। और हाँ गाइस, मैं आपको सीधा जाके सैलून पर ही मिलता हूँ। यार मेरा दिल भी पता नहीं कुछ और ही कह रहा है मुझे, देखते हैं क्या करना आगे जाके। 1000 बार सोचना पड़ता है, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है बाल लंबे करने में, तो यार अभी मुझे समझ नहीं लग रही, क्योंकि मैं पिछली बार भी गया था तो मैंने थोड़े बहुत ही साइड से कटवाए थे, तो अभी देखते हैं यार। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि थोड़े छोटे करवा लूँ, या कोई लुक चेंज कर लूँ इनकी,
सो चलते हैं यार सीधे शॉप पे, मिलते हैं जाके। गाइस ये जो ट्रक आप लोग देख रहे हैं ना, ये आगे गिरा हुआ था नीचे, 3-4 दिन यहीं पे रहा, आज ही इन्होंने निकाला है। तो यार बहुत बुरी हालत हो रखी है इसकी। सो गाइस फाइनली अपना हेयर कट हो गया, तो अभी जहाँ से जल्दी से निकलते हैं बिकॉज मैं काफ़ी लेट हो गया। सो गाइस फाइनली कुछ इस तरह का हेयर कट है, तो पीछे से थोड़े मैंने लंबे ही रखे हैं और मम्मी देख के काफ़ी शॉक हो रही है, बिकॉज मम्मी को ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद भी लग रहा है। ये देख लो, ठीक है यार, स्लोली स्लोली सब सही हो जाएगा। ये देख लो यहाँ तक है, वेल ऐसे रखेंगे तो सही रहेगा, ये देख लो। तो गाइस अभी चाची के रिएक्शन देखते हैं कैसे आती हैं। तो गाइस अभी हैरी के रिएक्शन देखते हैं। थूक गाइस देखो, सोने की एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे। अरे यार ये तो सोया पड़ा है, मेरा न्यू हेयर स्टाइल नहीं देखा। सही है ना, अब सही है यार। हाँ खस्सी संडा है तू तो। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर दूसरे चैनल की वीडियो शूट करने के लिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलते हैं ऊपर। फिलहाल गाइस आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। अपनी वीडियो तो शूट हो गई है, तो गाइस आज का व्लॉग फिर यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज अभी मुझे जाना है काम पर। तो कल से एक नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे, ये व्लॉग तो ऐसे ही मतलब निकल गया, बेकार का व्लॉग ही हो गया। वेल फिर भी थोड़ा वो तो एंटरटेनमेंट आई होप कि मैं आप लोगों को कर ही पाया हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आपको और भी बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़।